पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि नोटबंदी से जीडीपी में 2% की गिरावट आ सकती है। नोटबंदी के अमल में काफी अव्यवस्था दिख रही है। पीएम को इस योजना को रचनात्मक तरीके से लाना चाहिए था। पीएम ने लोगों से 50 दिन मांगे हैं जो लोगों पर भारी पड़ेंगे। आरबीआई और पीएमओ इसे लागू करने में पूरी तरह फेल रहे। नोटबंदी के कारण आ रही कैश की दिक्कत को देखते हुए एक बार फिर सरकार ने नेशनल हाईवे को टोल फ्री कर दिया है। अब नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर 1 दिसंबर तक टोल नहीं वसूला जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फैसले का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के मामले पर हलफनामा दायर किया और कहा कि इस कदम से 70 साल के ब्लैक मनी के बोझ को सरकार ने खत्म करने का प्रयास किया है। सरकार ने कहा कि ये काले धन को बाहर निकालने का एक प्रयास है। पेट्रोल पंप, अस्पताल, रेलवे स्टेशन पर 500 और 1000 के पुराने नोट शुक्रवार से कहीं नहीं चलेंगे। हाँ, इन्हें बैंक खाते में जमा करवाने या बदलवाने की सुविधा 30 दिसंबर तक मिलती रहेगी। हालांकि किसान 500 के पुराने नोटों से सरकारी केंद्रों से बीज खरीद सकेंगे। देश भर में सभी एयरपोर्ट की पार्किंग भी 28 नवंबर तक फ्री रहेगी। अपने बयानों की वजह से अक्सर केंद्र सरकार को मुसीबत में डालने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को घेरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी किए गए नोटबंदी पर सर्वे के आंकड़ों को झूठा करार दिया है, लेकिन बाद में जब इन ट्वीट्स को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद पैदा हुआ तो उन्होंने 2 ट्वीट्स डिलीट कर दिए। पूर्व बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर के कांग्रेस में शामिल होने की लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है, बस औपचारिकताएं ही बाकी हैं। एनएसजी में भारत की सदस्यता के विरुद्ध चीन के अपने रुख से नहीं हटने के बीच विदेश सचिव एस जयशंकर ने दोनों पक्षों में इस बात को लेकर तर्कसंगत और व्यावहारिक वार्ता की वकालत की कि एक दूसरे की आकांक्षाओं को जगह नहीं देना किस तरह संपूर्ण संबंधों के लिए नुकसानदेह है। 500 और 1000 के नोट बैन करने के खिलाफ एकजुट विपक्ष ने 28 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। विपक्षी पार्टियां संसद में केंद्र सरकार के इस फैसले का भारी विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रही है। इसी वजह से संसद का कामकाज भी बाधित है। फिल्म दंगल के दूसरे गाने के बाद आमिर खान ने अपनी आने वाली फिल्म का दूसरा शानदार पोस्टर रिलीज कर दिया है। दंगल फिल्म के इस पोस्टर में आमिर खान और उनकी 4 बेटियां आत्मविश्वास और साहस से भरपूर दमदार अंदाज में नजर आ रही हैं।